हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेरी गुड मॉर्निंग, और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे जो KVSPRT अपकमिंग वैकेंसीज है 2024-25, उसके लिए हम CDP या टीचिंग मेथोलॉजी कह लीजिए, या आप EVS, जो दो पार्ट है उसका मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि पूरी हिंदी की भी PYQs, इंग्लिश की भी PYQs, और बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स के PYQs हैं, GS के हो गए, इंग्लिश के हो गए, उसको भी मैं कराऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए आपके, क्योंकि आपके डिमांड पे ही मैं वो सारी चीज़ें करा सकूंगा। क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है वो CDP है और EVS है। EVS और CDP मतलब 60+20, 80 मार्क्स की तैयारी आप यहाँ से मेरे तरफ से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है चीज़ें, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ। इसलिए बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, और ये 22 मार्च जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो है, ठीक है। 22 मार्च को, फिर 23 को छुट्टी थी, 24 तारीख वाला पेपर फिर अब अगले वीडियो में हम कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CDP का 60 क्वेश्चंस है, तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप लोग जाकर KVSPRT 2024-25 देख सकते हैं। पुराने वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए 41 191 क्वेश्चंस पे देखते हैं कि एजुकेशन डिस्क्राइब्ड बाय स्पेंसर साहब थे। स्पेंसर साहब ने शिक्षा की परिभाषा किस रूप में दी है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चंस को समझिए, तो आप यहाँ से स्पेंसर्स को पढ़ना है, स्पेंसर ने थियरी दी थी, ठीक है। तो पहली चीज़ सेल्फ लर्निंग, स्व अधिगम। सेकेंड है प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन की तैयारी। थर्ड है कंप्लीट लिविंग, पूर्ण जीवन निर्वाह। एंड फोर्थ इज मीनिंगफुल लाइफ। बताना है कि जो स्पेंसर साहब थे, इन्होंने शिक्षा की परिभाषा किस रूप में दी थी, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या थर्ड हो जाएगा? पूर्ण जीवन निर्वाह, कंप्लीट लिविंग को इन्होंने, स्पेंसर साहब ने क्या दिया था, कहा कि भैया जो शिक्षा की परिभाषा है वो एक संपूर्ण लाइफ, एक पूर्ण जीवन, जो निर्वाह हम कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, एक शिक्षा की परिभाषा। आगे चलते हैं। 142 क्वेश्चन है हमारा। हु सेड द वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू द सोल्यूशन ऑफ ऑल अवर प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। भैया किसने कहा था कि हमारी सभी समस्याओं में के समाधान का सबसे व्यापक मार्ग शिक्षा है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति था भाई जिसने कहा था कि हमारा जो पूरे प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन का सबसे जो मतलब एक वाइड रोड है वो शिक्षा है। सीधी सी बात एक समझ में कि हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसका एक समाधान शिक्षा है हमारा। तो कौन, किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था, टैगोर साहब ने कहा था, विवेकानंद ने कहा था, श्री अरबिंदो घोष ने कहा था, आपको बताना है ये। तो 42 का राइट आंसर आपको बताना है भाई, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था कि भैया शिक्षा एकमात्र ऐसी दवा है, मतलब हर चीजों की, समस्याओं की दवा है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। देखिए बाल वाटिका से क्वेश्चन पूछा गया, ये बाल वाटिका से क्वेश्चन पूछा गया है, NEP बाल वाटिका। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा, पहले PYQs कर लेते हैं, उसके बाद मैं एकदम कंटेंट इतनी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, पूरा मेरे पास प्रिपेयर्ड है। तो इस वो सारी चीज़ें बात की हैं। तो बाल वाटिका अकॉर्डिंग टू NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है, बताइए जल्दी से। आपको बताना है कि बाल वाटिका है क्या। एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एज ऑफ 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करना। एजुकेशन रिसीव्ड इन प्राइमरी स्टेज फ्रॉम क्लास बी टू आई, एजुकेशन अप टू क्लास 8, एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एज ऑफ 3 टू 5 ईयर्स, बताना है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 8 तक की शिक्षा, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त शिक्षा, बताना है भैया। 43 का राइट आंसर आपको बताना है, बताइए जल्दी से। जो बताएगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो एजुकेशन रिसीव फ्रॉम एज टू 3 टू 5, बाल वाटिका में क्या होता है मेरे भैया कि जो बच्चे 3 से 5 साल तक के होते हैं उनका एडमिशन लिया जाता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब आगे चलते हैं। 194 है, व्हाट इज हिडन करिकुलम, अप्रकट पाठ्यक्रम क्या है। ये देखिए ये करिकुलम वाले टॉपिक से है, ठीक है, करिकुलम से ये टॉपिक क्वेश्चन ही है कि भैया जो हिडन करिकुलम क्या होता है। तो फोकस ऑन इनफॉर्मल गेनिंग ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ्स, मूल्यों और मान्यताओं की अनौपचारिक ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया जाना, मतलब अपने इनफॉर्मल जो गेनिंग होती है हमारी, जो भी वैल्यूज एंड बिलीफ्स होते हैं उस पर फोकस करना। दूसरा है प्रेस्क्राइब लर्निंग आउटकम्स, मतलब विहित अधिगम प्रतिफल। सी है
थर्ड है कोरिकुलम हिडन इन टेक्स्ट बुक, मतलब जो ऐसा पाठ्यक्रम जो किताबों में छिपी रहती है। विहित औपचारिक पाठ्यक्रम, बताइए जल्दी से, आपको बताना है। 44 का राइट आंसर आपको बताना है, 44 का राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, फोकस ऑन इनफॉर्मल गेनिंग ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ्स, मूल्यों और मान्यताओं की अनौपचारिक ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया जाना क्या कहलाता है? हिडन करिकुलम कहलाता है। आगे चलते हैं, 95 है, मतलब 45 है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद या कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भैया जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दिए जाने चाहिए, बताना है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 239, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 350, बताइए जल्दी से, जो बताएगा उसको मिलेगा 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए दूंगा मैं, बताइए जल्दी से। तो 45 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, अनुच्छेद 350 क में क्या दिया गया है मेरे लाल? मेरे लाल दिया गया है कि भैया जो हमारी प्राइमरी की एजुकेशन है वो जो मातृभाषा में हमारे बच्चे के जो लैंग्वेज है उसमें दी जानी चाहिए, मदर टंग में। आगे चलते हैं, 96 है, व्हाट इज लर्निंग स्पेस इन स्कूल, विद्यालय में अधिगम स्थान क्या होता है? लर्निंग स्पेस मतलब जहां हम प्रॉपर एजुकेशन या शिक्षा लेते ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो पहला है वेल सेट क्लासरूम विथ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरमेंट, वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, थर्ड है कंफर्टेबल डेस्क, फोर्थ है आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम, मतलब बिल्कुल ऐसी कक्षा होनी चाहिए जहाँ पे भय भय रहित हो, मतलब डर का भाव कोई माहौल ना हो, एक सुव्यवस्थित कक्षा होनी चाहिए। सेकंड है अच्छे वातायन, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन खिड़की वगैरह लगी हो, आरामदेह डेस्क हो, ऐसा कि भैया आरामदेह हो हमारा, हम सो जाए वहीं पर, बिल्कुल नहीं। कक्षा में आईसीटी का उपकरण हो, जैसे भैया स्मार्ट क्लास हो, ये सारी चीज़ें हों, तो बताइए जल्दी से, आपके सामने है। तो 96 का राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल भाई, सबसे बड़ी चीज होती है कि कक्षा में भय रहित माहौल में सुव्यवस्थित कक्षा होनी चाहिए, वेल सेट क्लासरूम होना चाहिए जिससे बच्चे डरे ना, बच्चे बिना डरे बिना भय रहित चीजों को अच्छे से सीखने की कोशिश करें। आगे चलते हैं, 97 है हमारा, इन एडोलेसेंट एज व्हाट द बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपेक्ट इन द स्कूल, पहला है सिंपैथी, दूसरा है एम्पैथी, तीसरा है कॉपरेशन, चौथा है इमोशनल सपोर्ट, बताना है कि जो भैया किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की विद्यालय से क्या अपेक्षा रहती है। जब भैया किशोरावस्था जानते हैं आप, तो किशोरावस्था में जब आप होते हैं तो वही तूफान वाली एज होती है किशोरावस्था, जिसमें हम हीरो लगते हैं, हीरो वर्शिप हो आ जाती है हमारे अंदर, तूफानों की अवस्था होती है, ऐसा लगता है कि बस हम ही हैं जो हैं, बाकी सब मेरे नीचे हैं। तो बताइए किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की विद्यालय से क्या अपेक्षा रहती है? आप एक किशोरावस्था में हैं तो क्या आप सिंपैथी चाहेंगे, क्या आप एम्पैथी चाहेंगे, क्या सहयोग कॉपरेशन चाहेंगे, या इमोशनल सपोर्ट चाहेंगे? तो मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए, भाई हमको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि इसमें हम हमारे ना जो इमोशनल चीज़ें होती हैं, इमोशनली हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, बहुत जल्दी काम हो जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इमोशनली डिसबैलेंस रहते हैं हम किशोरावस्था में। 198 पे चलते हैं, डैश फॉल्स अंडर मोरल डोमेन कैटेगरी, निम्नांकित में से क्या नैतिक जगत की श्रेणी में आता है? बताइए मोरल डेवलपमेंट में क्या चीजें आती हैं? फीलिंग्स आती है, जिम्मेदार अनुभूति आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, फोर्थ है रिकॉग्निजिंग, बताइए जल्दी से, दायित्व तो आता है, अनुभूति आती है, सही और गलत में विभेदन पहचान करना, बताइए जल्दी से भाई, मोरल डोमेन कैटेगरी के अंतर्गत कौन आता है, जल्दी से बताना है आपको, बताइए जल्दी से। बिल्कुल भाई, मोरल का मतलब ये है कि नैतिकता, नैतिकता क्या होती है? नैतिकता का मतलब है कि अगर क्या समाज में एक्सेप्टेबल है, क्या समाज में नहीं एक्सेप्टेबल है, उन चीज़ों के बीच में सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना, क्या सही है वो करना, क्या गलत है वो नहीं करना, तो इसी को हम कहते हैं मोरल क्या डोमेन कैटेगरी, ठीक है। आगे चलते हैं, 199, अब मैं थोड़ा सा समझाते हुए चलूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ लीजिए फिर आंसर तो अपने आप आ जाता है यार, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। द एसेंशियल फैक्टर्स टू प्रमोट डेवलपमेंट टास्क इन चाइल्डहुड कम्स अंडर, बाल्यावस्था में विकास कार्य को बढ़ावा देने वाले अनिवार्य कार्य, मतलब जब आप बाल्यावस्था में होते हैं जो आपके डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, मतलब डेवलपमेंटल टास्क का मतलब है कि जिस परिप्रेक्ष्य में आप आगे बढ़ते हैं, जैसे पर्यावरण हो गया, मतलब आप चीज़ों को उस समय एडॉप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है, आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपका फिजिकल ग्रोथ, मतलब ये सारी चीज़ें मिला के किसमें आते हैं? डेवलपमेंटल टास्क में आते हैं। तो बाल्यावस्था में विकास कार्य को बढ़ावा देने वाले अनिवार्य कारक कौन से हैं, जल्दी से बताना है। 199 में बताइए जल्दी से, इसका जो राइट आंसर आपको बताएगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। राइट आंसर मिनिमम इंटेलिजेंस होता है भाई, ठीक है, डेवलपमेंटल टास्क में क्या होता है,
मतलब एसेंशियल फैक्टर जो होता है कि अनिवार्य कारक है कौन, न्यूनतम बुद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। मैच्योरेशन, व्हाट इज मैच्योरेशन इन चाइल्ड ग्रोथ, आपको बताना है कि व्हाट इज मैच्योरेशन इन चाइल्ड ग्रोथ। इंटरेस्ट, फीलिंग्स, इमोशन, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एडाप्टिव चेंजेस इन चाइल्ड ग्रोथ। बालक के विकास में परिपक्वता क्या है? परिपक्वता, मैच्योरिटी आप जानते हैं, जब आप बहुत मैच्योर कहते हैं ना कि आप मैच्योर हो गए। मैच्योर का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। रुचि, अनुभूति, संवेग, बालक के विकास में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूल परिवर्तन आपको बताना है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा बताइए जल्दी से, ये आपको सामने है क्वेश्चंस, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एडाप्टिव चेंजेस इन चाइल्ड ग्रोथ। बिल्कुल भाई, आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मैच्योर होते हैं आप, तो आप होते हैं ना, शरीर से हम परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से आप परिपक्व हो गए हैं, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी हो गई है, सही क्या है गलत क्या है आप निर्णय ले पा रहे हैं, चीज़ों को एडॉप्ट कर ले रहे हैं आप। जैसे कोई एटमॉस्फेयर अनफेवरेबल भी मिला तो भी आप उसमें एडजस्ट करते हैं चीज़ों को, तो जब ये आपको ये सब चीज़ों को एडजस्ट करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, आपका ग्रोथ होता है, तो उसको हम मैच्योरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चलिए 2.01 में चल दें। द बिहेवियरल ट्रेट इन एडोलेसेंट इज, मतलब किशोरावस्था में व्यवहार परक लक्षण है, मतलब क्या है? देखिए वही मैंने कहा कि भैया गुस्सा आ जाते हैं, भैया बहुत प्यार की भावना उसमें आती है, प्यार मोहब्बत भी हो जाता है कभी कभी स्कूल में, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अट्रैक्शन उस समय बहुत तेजी से होता है। और वहीं की भैया तूफानों की अवस्था बोलती है कि बस हम गुंडा हैं, मार डालेंगे तुमको, हीरो वाली भावना आती है। तो बताइए, किशोरावस्था में व्यवहार परक लक्षण है, एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, माल एडजस्टमेंट है, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी, बिल्कुल आक्रामकता, हताशा, दुसमायोजन, अपनी अस्मितों में संघर्ष, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए हम संघर्ष करते हैं, बताइए। तो ये जो बताएगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, जल्दी से बताइए। यही भाई, हम अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं, हमें कैरियर की टेंशन रहती है, भैया हमको कुछ करना है, आगे क्या करना है, परिवार की चिंतन रहती है, सब अपनी फैमिली सबको, ठीक है, शादी करना है आगे, सारी चीजें टेंशन यहीं पे आती हैं। अब आगे चलते हैं 2.02 में। एक मिनट, चलिए बताइए, आपको 52 का राइट आंसर बताना है। व्हाट वुड एम्पावर द चाइल्ड इन क्लासरूम इन लर्निंग, मतलब निम्नांकित में से क्या अधिगम के लिए कक्षा में बालक के सबलीकरण में सहायक होगा, बताइए जल्दी से। बच्चे को एम्पावर करेगा कक्षा में कौन सी चीज़ ऐसी है, इसमें से बताना है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, रियलिज्म, यथार्थवाद, कनेक्टिविज्म, संक्षिप्तवाद, फोर्थ है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर बताएगा उसको 1 रुपये मिलेगा। क्यों 1 रुपये मिलेगा? क्योंकि इसका राइट आंसर एक है, रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो बच्चे को क्या, बच्चे को सबलीकरण में सहायक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 53 पे। फीडबैक सिस्टम इन क्लासरूम इज नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, टू मेजर लर्निंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल ऑफ टीचर्स। कक्षा में फीडबैक प्रतिपुष्टि प्रणाली में क्यों आवश्यक? बिल्कुल भाई, हर चीज़ का फीडबैक आप लेते हैं, देखते हैं कोई सामान लेते हैं आप, उसका भी फीडबैक आपको देते हैं कि नहीं ये सामान अच्छा नहीं था, तो वैसे ही कक्षा में भी फीडबैक की जरूरत होती है। और कक्षा में फीडबैक की जरूरत क्यों होती है आपको ये बताना है, बताइए। प्रशासनिक अपेक्षा के लिए, अध्यापकों और विद्यार्थियों के आत्म सुधार के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के मापन के लिए, अध्यापकों की क्षमता को जानने के लिए, आपको बताना है। ये सवाल है 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ जिसको चाहिए जल्दी जल्दी आप आंसर बताएं, जो बताएगा उसको मिलेगा 1.5 करोड़। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर्स एंड अध्यापकों और विद्यार्थियों के आत्म सुधार के लिए फीडबैक बहुत जरूरी है, प्रतिपुष्टि।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेडागॉजी? इतना आसान क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है भैया। पेडागॉजी पढ़ते हैं तो शिक्षा शास्त्र से क्या मतलब है, यही क्वेश्चन पूछ लिया। ब्रॉड रेंज ऑफ टीचिंग मेथोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड स्ट्रक्चर। सेकंड है एग्जीक्यूशन ऑफ लेसन प्लान्स। थर्ड है टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज एंड फोर्थ इज ग्रुप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। बताइए जल्दी से। मूल्यांकन और अनुदेश सहित अध्यापन पद्धति का व्यापक प्रयास। सेकेंड है पाठ योजनाओं को लागू किया जाना। थर्ड है यह अधिगम संबंधी कार्यकलाप का प्रारूप एंड फोर्थ इज अध्यापन अधिगम सामग्री का समूह। बताना है आपको, बताएगा जो इसको, उसको 2 करोड़ दे दूंगा इस बार भाई। इस बार 2 करोड़ का सवाल है ये। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है? क्या पहला हो जाएगा? मूल्यांकन और अनुदेश सहित अध्यापन पद्धति का व्यापक प्रयास। ब्रॉड रेंज ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कुड बी द एग्जाम्पल फॉर कम्युनिटी लर्निंग? बताइए आपको कि सामुदायिक अधिगम, मतलब सामुदायिक कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं भैया? आपको पता होगा कि कक्षा भी आती है, हमारा समाज भी आता है, हमारा पड़ोस भी आता है, हमारी दुनिया भी आती है, ठीक है? तो क्लासरूम टास्क, कक्षा का कार्य कोई दे दीजिए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, परियोजना आधारित अधिगम। थर्ड है एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन लैब्स एंड फोर्थ इज ओरल क्वेश्चन बाय टीचर, अध्यापक द्वारा पूछे गए मौखिक प्रश्न। बताइए जल्दी से। ये एक सवाल है, ये सवाल कितने 2 करोड़ रुपए का है। ये 2 करोड़ रुपए का सवाल है, जो बताएगा उसको 2 करोड़ मिलेगा। बताइए जल्दी से, जो बताएगा उसको 2 करोड़ मिलेगा। तो इसका राइट, परियोजना जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, जैसे बच्चों को हमने कहा कि बच्चे आप इस पे काम करिए, जाइए उसमें गार्डन में जाइए और इस प्रोजेक्ट पर काम करिए, तो बच्चे खुद से इसमें सर्च करता है, लर्निंग बाय डूइंग बेस्ड होता है ये, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है भाई, ये क्वेश्चन हर शिफ्टों में रिपीट हो गया है ये। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन मॉडिफाइड एज। बताना है आपको ये भाई, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, इसका सवाल, इसका आंसर आप देंगे। 206 का आंसर आप लोग देंगे। कौन देगा? आप लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये हम नहीं दे पाएंगे, बहुत आसान है। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें आप भी करा करिए ताकि आप भी देखिए जितना चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छे अच्छे से समझेंगे, ठीक है? 207 में चलते हैं। एमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन्हांस लर्निंग? मतलब शिक्षक, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में ऐसा कौन सा संबंध है भाई जो अधिगम को ग्रोथ करेगा, संवर्धन करेगा, इन्हांस करेगा लर्निंग को? बताया जल्दी से। कार्डियल रिलेशनशिप, ऑफिशियल रिलेशनशिप, ऑफिशियल तो नहीं चाहिए, सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध, इमोशनल रिलेशनशिप, संवेगात्मक संबंध। बताइए जल्दी से। ये जो बताएगा उसको 2.5 करोड़ रुपये मिलेगा, ये जो बताएगा उसको 2.5 करोड़ रुपये मिलेगा। इमोशनल रिलेशनशिप, कैसा? संवेगात्मक संबंध, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 208, लर्निंग इन क्लासरूम इन्हांसेस बाई, मतलब जो लर्निंग हमारा अधिगम है, हम हमारी कक्षा में बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? बताइए जल्दी से। ये सवाल 2 करोड़ रुपए का है, चलिए 1 करोड़, इसका दाम थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, तो 1 करोड़ रुपए इसमें आपको मिलने वाले हैं। जल्दी बताइए। 58 का राइट आंसर जो बताएगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। बताइए, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड्स, थर्ड लेक्चर मेथड एंड फोर्थ इज क्वेश्चनिंग टेक्निक। कक्षाओं में अधिगम का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है? सर्वदृश्य उपकरणों का प्रयोग, ब्लैक बोर्ड का उपयोग, व्याख्यान विधि, परीक्षा तकनीक। जो बताएगा उसको कितना मिलेगा? 1.5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। भैया बिल्कुल, कक्षा में स्मार्ट क्लास हो, अच्छे से सुनने का तरीका हो, सारी चीजें हो, तो आप ज्यादा सीखेंगे। आगे चलते हैं। फोनोलॉजी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड रेफर्स टू, मतलब बालक के भाषाई विकास में स्वर विज्ञान निम्नांकित में से किससे संबंधित है? क्रिएटिंग साउंड ऑफ स्पीच, ये तो जानते हैं, इंग्लिश पेडागॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। यूजिंग ग्रामर, थर्ड है कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग रूल्स। बताइए, वाक् ध्वनि का सृजन, व्याकरण का प्रयोग, थर्ड है संप्रेषण एंड फोर्थ इज नियमों की समझ। बताइए जल्दी से। ये जो बताएगा ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसको इसको 1.5 करोड़ रख देता हूँ उसका प्राइस। बिल्कुल भाई, ये क्रिएटिंग साउंड ऑफ स्पीच जो हम बोलते हैं उसको क्या फोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है?
देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बहुत क्वेश्चन पूछा है, अनुभवात्मक अधिगम क्या है? स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन मोड ऑफ लर्निंग, बताइए। खेल एकीकृत अधिगम, हस्तगत अधिगम, हैंड्स ऑन लर्निंग है, अनौपचारिक अधिगम है, अधिगम का समूह में विमर्श पद्धति, बताइए ना, बताइए 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 जल्दी से, जो बताइएगा आइयो ना हमारे बिहार में, जल्दी बताइए। 210 का क्वेश्चन बताना है भाई आपको, जो बताएगा उसको मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, उसको 2 करोड़ मिलेगा। इसको हैंड्स ऑन लर्निंग बोलते हैं, बिल्कुल हस्तगत अधिगम, हैंड्स ऑन लर्निंग भाई, ठीक है, एक्सपीरियंस लर्निंग, खुद से करके सीखना। चलिए 211 पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीक्षा? देखिए, दीक्षा भी पूछ लिया, ये सारे एनईपी 2020 की चीजें हैं। दीक्षा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बताइए जल्दी से, मतलब दीक्षा का प्रायोजन क्या है, उसका पर्पस क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, मतलब डिजिटल अवसंरचना संसाधन, फोर्थ है फ्री यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक्स इन प्राइमरी चिल्ड्रन, प्राथमिक शिक्षा के बालकों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक, बताइए जल्दी से, जो बताएगा इसको मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको 1 करोड़ रुपए और मिलेगा, जल्दी से बताना है तो। बिल्कुल भैया, डिजिटल, जहाँ दीक्षा है, जो डिजिटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, स्मार्ट क्लासेस लग रहे हैं, वो दीक्षा है, ठीक है। आगे चलते हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना, बच्चों को सारी चीजें टेस्ट कराना। 212, व्हाट इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट इन प्राइमरी स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू लर्निंग प्रोसेस? अधिगम प्रक्रिया के संबंध में प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य आवश्यकता क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, बताइए। बुनियादी साक्षरता और सांख्यिक ज्ञान, सांख्यिक अभिरुचि, आलोचनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बताइए जल्दी से, जो बताएगा उसको मिलेगा 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ जिसको चाहिए वो जल्दी से इसका जवाब दे, बताइए। अयो ना हमरा बिहार में, जल्दी बताइए। 212 का, 212 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका FLN हो जाएगा, ठीक है भैया। बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में बेसिक क्लास में जाते हैं तो FLN बहुत जरूरी है। 213 पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफॉर्मल एजुकेशन? अनौपचारिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, बताना है। एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। जब कोई चीज़ फॉर्मली आप स्कूल क्लासेस में जाकर सीखते हैं, कहीं बैठ के सीखते हैं, प्रॉपर टाइम में सीखते हैं, तो उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल चलते हंसते रेल में, गाड़ी में, अपने घर पे, अपने बेड पे, अपने सोसाइटी में, सब जो सीख रहे हैं इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाता है। बताइए, एजुकेशन गेन थ्रू वेरियस सोर्सेज इन लाइफ। सेकेंड है, एजुकेशन गिवन इन ऑर्गेनाइज सेटअप, संगठित संरचना के रूप में दी गई शिक्षा। थर्ड है, एजुकेशन गिवन इन प्राइमरी सेक्शन, मतलब प्राथमिक कक्षाओं में दी गई शिक्षा। एंड फोर्थ इज एजुकेशन गेन्ड इन स्पिरिचुअल सेंटर्स, मतलब आध्यात्मिक केंद्रों में प्राप्त शिक्षा, बताइए जल्दी से। 213 जो बताएगा उसको मिलेगा 1.5 करोड़। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जो लाइफ में सभी सोर्सेस हैं उससे सीखना क्या, कि जीवन में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिक्षा को हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं, 214, व्हाट वुड अफेक्ट लर्निंग इन क्लासरूम, मतलब कक्षा में अधिगम कैसे प्रभावित होगा? एक अच्छा टाइम टेबल हो, एक प्रॉपरली डिजाइन करिकुलम हो, एक गुड प्रिंसिपल हो, अच्छा प्रधानाचार्य हो, एक एसी वाला क्लासरूम हो। एसी चाहिए क्या? अच्छा, एसी चाहिए, रुको हम एसी दिलाते हैं तुमको। 214 बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा, ठीक है। इसमें एसी लिख दिया है, लेकिन एसी वातानुकूलित कक्षा होना चाहिए, ठीक है, एक मतलब माहौल बना हो कक्षे में पढ़ाने का। ये थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन पे, एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए, ये तो प्रभावित करेगा ही करेगा, मान लो प्रॉपरली डिजाइन करिकुलम होना चाहिए, गुड प्रिंसिपल भी होना चाहिए, लेकिन एसी क्लासरूम जो है
चलिए ये यही होगा वातानुकूलित कक्षा हो, इंग्लिश में थोड़ा सा एसी क्लासरूम लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं 217 पे। हाँ दैस इज एसोसिएटेड विथ स्किल डेवलपमेंट, बताइए निम्नांकित में से क्या कौशल विकास से सहचरित है, बताइए जल्दी से। इमोशनल डेवलपमेंट डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, मतलब भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनो मनो क्षेत्र, बताइए जल्दी से। स्किल डेवलपमेंट से कौन सा एसोसिएटेड है आपको बताना है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या? मनो गतिज क्षेत्र, साइको मोटर डोमेन। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ लर्निंग इज अधिगम से अभिप्रेत है, मैनिपुलेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस। सेकंड है पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर। थर्ड है अचीविंग हाई एकेडमिक एक्सीलेंस। फोर्थ है गेनिंग नॉलेज, परिस्थितियों का छलायोजन, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार। थर्ड है उच्च शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्राप्त करना। फोर्थ है ज्ञान प्राप्ति, आपको बताना है, जल्दी बताइए। जो इसका राइट आंसर देगा उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। बिल्कुल, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार, भैया बिल्कुल आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, एक सकारात्मक हो रहा है, तो आप क्या लर्निंग सीख रहे हैं, ठीक है, अधिगम कर रहे हैं। आगे चलते हैं पर्पस ऑफ करिकुलम इन स्कूल, पाठ्यचर्या का पर्पस क्या होता है स्कूल में, जल्दी से आपको बताना है। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन टाइमली, समय पर परीक्षा आयोजित करना। टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम, सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट करना। टू स्टैंडर्डाइज लर्निंग टू गोल्स, अधिगम के लक्ष्यों का मानकीकरण करना। टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करना, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ये जो बताएगा उसको 1.5 करोड़ रुपए फिर मिलने वाले हैं। बताइए जल्दी से कि भैया जो करिकुलम पाठ्यचर्या हमारी होती है ये क्यों प्रिपेयर की जाती है, बताइए इसका क्या मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका राइट आंसर अधिगम के लक्ष्यों का मानकीकरण, बिल्कुल। टू स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स, जो हमारा शिक्षा जो शैक्षणिक गोल है उसको अचीव करना। अब बताना है एनवायरमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ, आपको बताना है क्या एनवायरमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ कनेक्टिविज्म, रियलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पर्यावरण माहौल, निम्नांकित में से किसका तत्व तो है आपको बताना है। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्या? सेकंड हो जाएगा रियलिज्म, ठीक है। क्या? यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 69 पे। व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, बताइए। ऑटिज्म, डिसग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, अधिगम निःशक्तता क्या है, बताना है इसमें से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा भाई। डिसकैल्कुलिया क्या है, मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसको, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। आगे चलते हैं द कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन द स्कूल इज, मतलब विद्यालय में जो सामान्य मानसिक विकार है वो क्या है। बिहेवियरिज्म डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर, एनाक्सिटी डिसऑर्डर, सेंसरी डिसऑर्डर, बताना है आपको। व्यवहारात्मक विकार है, सामाजिक विकार है, दुश्चिंता विकार है, या संवेदी विकार है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या? थर्ड इज द राइट आंसर, मतलब दुश्चिंता, बिल्कुल एनाक्सिटी रहती है बच्चों को, ठीक है।
नेक्स्ट है मनोदर्पण स्कीम इज इंट्रोड्यूस। ये है मनोदर्पण भैया, एक पीएम के समय बाद जो कोरोना वोरोना आया था, मतलब मानसिक चीज़ों से बहुत लोग स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें ले रहे थे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मनोदर्पण स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाई, मनोदर्पण स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई, बताना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आगे चलते हैं, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन क्लासरूम, आप कक्षा में बौद्धिक निःसक्तता को पहचान कैसे करेंगे, रेस्टलेसनेस से, माल एडजस्टमेंट से, पुअर कंप्रेहेंशन से, लोनलीनेस से, मतलब बेचैनी, दुसमायोजन, अल्प समझ, अकेलापन, बताइए जल्दी से। जो बताएगा इसको 1 रुपये मिलेगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए जल्दी से। रेस्टलेसनेस, माल एडजस्टमेंट, पुअर कॉम्प्रिहेंशन, लोनलीनेस, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या फर्स्ट हो जाएगा, बेचैनी से, ठीक है। कोई बच्चा बेचैन है भैया कक्षा में, तो उसको हम कैसे समझाएंगे कि मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, विच स्टेप वुड फॉर्म इंटरवेंशन फॉर दिव्यांगजन, बताइए। एसेस एंड असिस्ट, फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल थेरेपी, इमोशनल सपोर्ट, निम्नांकित में से किस उपाय का दिव्यांगजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, बताना है आपको। आकलन और सहायता, शारीरिक सहयोग, शारीरिक चिकित्सा, संवेदनात्मक सहयोग, बताइए आपको। ये जो बताएगा उसको 2 करोड़ मिलने वाला है, उसको केस क्या कितना मिलने वाला है, 2 करोड़ मिलने वाला है, ठीक है। जो बताएगा उसको 2 करोड़ मिलेगा, बिल्कुल। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एसेस एंड असिस्ट, आकलन और सहायता चाहिए बच्चों को, ठीक है, जो दिव्यांगजन है भैया उनको आकलन और सहायता। व्हाट द स्कूल शुड डू टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशूज, देखिए यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे गए थे कि मतलब मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जो बच्चे हैं, मानसिक स्वास्थ्य हैं, उनको निपटने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, परामर्श, मेडिकल इंटरवेंशन, चिकित्सीय उपचार करना चाहिए। थर्ड है इंटीग्रेशन सोशल इमोशनल लर्निंग, सामाजिक संवेगात्मक अधिगम का एकीकरण करना चाहिए। फोर्थ है फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन विथ पेरेंट्स, अभिभावकों के साथ बार बार संवाद करना चाहिए, बताइए जल्दी से, आपको बताना है भैया। ये जो बताएगा उसको 2 रुपये मिलेगा। बिल्कुल, परामर्श करना चाहिए, ठीक है, काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इश्यूज एमंग चिल्ड्रेन, मतलब बालकों को मानसिक संबंधी समस्याओं के निवारण में अभिभावक की क्या भूमिका है। पेरेंट्स शुड हैव अवेयरनेस ऑन एडोलेसेंस इश्यूज, स्पेंड क्वालिटी ऑफ टाइम विथ एडोलेसेंस एंजॉइंग शेयर्ड एक्टिविटीज, मेडिकल इंटरवेंशन, अपॉइंटिंग काउंसलर्स एट होम, घर पर परामर्शदाता की नियुक्ति, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो बताएगा उसको 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, दूसरा हो जाएगा। स्पेंड क्वालिटी ऑफ टाइम विद एडोलेसेंस एंजॉयिंग शेयर एक्टिविटीज, किशोर बालकों के साथ साझा कार्यकलापों के में गुणवत्ता परक समय व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेवर मेंटल डिसऑर्डर? बताना है, साइजोफेरिना, डिप्रेशन, एनग्जिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से एक गंभीर मानसिक विकार क्या है? बताना है आपको। इसका राइट आंसर जो बताएगा उसको 1.5 करोड़ मिलेगा। बताइए जल्दी से, बताइए। बिल्कुल, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है भाई, ये हनी सिंह साहब को हो गया था। अभी बाइपोलर डिसऑर्डर हनी सिंह साहब को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट कुड बी द रूट कॉज ऑफ मेंटल इलनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रन? बताइए जल्दी से कि मतलब स्कूली बच्चों में मानसिक रुग्णता का मूल कारक क्या हो सकता है? पीयर बिहेवियर, हेरिडिटी एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, थर्ड है न्यूट्रिशन एंड फोर्थ इज होम एटमॉस्फेयर। बताइए कि समकक्षी या अनुमानसिकी और मनोवैज्ञानिक तनाव, पोषण या घर का वातावरण। बताइए जल्दी से। बताना है आपको। अब बच्चे छोटे हैं भाई, बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं तो बच्चे छोटे हैं तो घर का जो आपका एटमॉस्फेयर है ये कैसा है, ये बहुत मैटर करता है बच्चा जब स्कूल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचर, टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर? निम्नांकित में से किस कारणवश समुदाय एक महत्वपूर्ण अध्यापन अधिगम केंद्र होता है? सब्स्टिट्यूट टू स्कूल, मतलब यह स्कूल का विकल्प है। सेकंड, इनफॉर्मल लर्निंग सोर्स, मतलब अनौपचारिक अधिगम स्रोत है। प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन रियल सेटिंग्स, मतलब उसमें अधिगमकर्ता को वास्तविक परिस्थिति में कार्य करने का अवसर मिलता है। एंड फोर्थ इज एक्सटेंशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज, या स्कूली गतिविधियों का विस्तार है। बताना है आपको। बताइए जल्दी से। बिल्कुल, एक्सटेंशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज, या स्कूली गतिविधियों का विस्तार है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ स्कूल लीडर इज, द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, जो स्कूल लीडर होता है उसकी फॉर्मेस्ट क्वालिटी क्या होती है? स्कूल का जो नेता है सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? कन्विक्शन होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अग्रेशन होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, कॉपरेशन होना चाहिए भैया, सहयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। द बैड क्वालिटी ऑफ लीडर इज, भैया लीडर का गलत क्वालिटी बताइए जल्दी से। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, नहीं ये तो होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जवाबदेही भी होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, बिल्कुल ही होना। पेसिमिज्म मतलब निराशावादी दृष्टिकोण का नहीं होना चाहिए भाई उसको। ठीक है, ऐसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा भैया? हम आपको निराश कर दें और आपको समझ में ना आए तो फिर हमारा क्या मतलब है? आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, एंड इफेक्टिव लीडर मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स पीपल, सेट द पेस फॉर देयर ऑन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड्स जनरल डायरेक्शन एंड टूल्स फॉर गोल अचीवमेंट्स, फोर्थ कोचेस अ पर्सन टू रियलाइज हिज पोटेंशियल। प्रभावी नेता के रूपांतरकारी नेतृत्व संबंधी विचार के अनुसार प्रभावी नेता कैसा होना चाहिए? लोगों को अभिप्रेरित करे और प्रेरित करे, अपने स्वयं के संगठन की गति निर्धारित करे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समान निर्देश देता है और उपकरण उपलब्ध कराता है। फोर्थ है, व्यक्ति को अपनी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रशिक्षित करता है। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भैया, वो क्या करता है कि भैया अपने जो जो भी व्यक्ति साथ में हो उनको कोच, ऐसा कोच काम तो करता है लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल क्या है उसकी पहचान करना। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीटी इन स्कूल एजुकेशन? आपको बताना है कि स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्या भूमिका है? बताइए जल्दी से। टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचिंग, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। सेकंड, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा में मानकों को बनाए रखना। थर्ड है, टू रिक्रूट टीचर्स, मतलब अध्यापकों की भर्ती करना। फोर्थ है, टू सी द वेलफेयर ऑफ टीचर्स, अध्यापकों को कल्याण को देखना। बताइए जल्दी से। बिल्कुल भाई, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा में मानकों को बनाए रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ नेचर ऑफ लीडर, मतलब नेचर का लीडर, एक लीडर का, एक नेता का क्या नेचर नहीं होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होना चाहिए, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए,
विश्वास होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए भैया नेता के अंदर। नेक्स्ट है, द की फेस ऑफ अथॉरिटेटिव लीडरशिप इज, बताइए। एक सत्तावादी नेतृत्व में अभूत अंतर्भूत मुख्य पदबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? लेट मी टीच हाउ इट इज डन, लेट ड्रीम बिग एंड सेट स्टैंडर्ड्स, आई विल गिव यू द टूल्स एंड ऑटोनॉमी टू एक्सिक्यूट, आई डायरेक्टली यू फॉलो। बताना है आपको इसका राइट आंसर, आपको बताना है। बिल्कुल भाई, मैं निर्देश देता हूं, आई डायरेक्ट एंड यू फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट है, द रोल ऑफ हेडमास्टर एस एन एकेडमिशियन इज, द रोल ऑफ हेडमास्टर एस एन एकेडमिशियन इज, शिक्षाविद के रूप में एक प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होती है? सुपरविजन ऑफ स्कूल, विद्यालय का पर्यवेक्षण करना, टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, मतलब शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना, थर्ड है ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट एंड मैनेजमेंट, शैक्षणिक और प्रबंधन के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना, फोर्थ है टू एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, विद्यार्थी और अध्यापक के मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर, जो बताएगा उसको 2 करोड़ रुपए मिलेगा। बिल्कुल, टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। ठीक है, आगे चलते हैं, हेडमास्टर का यही काम होता है, एचएम का भाई। नेक्स्ट है, विच लीडरशिप एक्सरसाइज अ मिनिमम कंट्रोल, निम्नांकित में से किस नेतृत्व में न्यूनतम नियंत्रण होता है? बताइए, अथॉरिटेरियन लीडरशिप में, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में, पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप, फोर्थ है लेजिस्फायर लीडरशिप। बताइए, सत्तावादी, लोकतांत्रिक, व्यक्तित्व में नेतृत्व के गुण, हस्तक्षेप नेतृत्व, जल्दी से बताना है आपको। बिल्कुल बताइए इसका, बिल्कुल लेजिस्फायर लीडरशिप जो होता है इसमें क्या होता है, मिनिमम कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर मेकिंग प्रॉपर प्लानिंग द हेडमास्टर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ, मतलब समुचित योजना के निर्माण के लिए प्रधानाध्यापक को किसकी सहायता लेनी पड़ती है? भाई, लोकल अथॉरिटीज की, स्थानीय पदाधिकारियों की, पीपल्स टीचर एंड पेरेंट्स, शिष्य अध्यापकगण और अभिभावकों की, थर्ड है स्कूल मैनेजमेंट की, एंड फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जल्दी से बताइए आपको इसका राइट आंसर, आपको बताना है। बिल्कुल भैया, बच्चे, देखिए स्कूल में कौन होते हैं, बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, और टीचर्स होते हैं, तो इन्हीं की सहायता लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्कूल असेंबली, भैया जो असेंबली होती है हमारी, मॉर्निंग प्रेयर होता है, क्यों, क्या इसका कार्य क्या है? टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन एवं चिल्ड्रन, बालकों में आत्मविश्वास अनुशासन को बढ़ावा देना, टू कम्युनिकेट स्कूल इन्फॉर्मेशन, स्कूल की सूचना का संप्रेषण, थर्ड है टू ऑर्गेनाइज कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, टू टेक अटेंडेंस, अटेंडेंस उपस्थिति, बिल्कुल उपस्थिति नहीं भाई, जो बताएगा इसको 2 करोड़ रुपए मिलेगा। बताइए जल्दी से। बिल्कुल भैया, डेली असेंबली होती है, लाइन में खड़े होते हैं, प्रॉपर प्रेयर करते हैं, एक दिन की शुरुआत करते हैं, तो टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन एमंग चिल्ड्रेन। आगे चलते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर इन स्कूल में लेट टू, अगर स्कूल में काउंसलर ना हो तो क्या होगा? इंक्रीजिंग मेंटल इलनेस एमंग चिल्ड्रेन, बालकों में मानसिक रुढ़ता बढ़ जाएगी, लो लेवल ऑफ मोटिवेशन रहेगा, अभिप्रेरण स्तर में ह्रास हो सकता है, डिक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑन स्टडीज, पढ़ाई में रुचि कम हो सकती है, पाठ्य सहगामी गतिविधियों में कम भागीदारी हो सकती है। बताइए जल्दी से। बिल्कुल, एक काउंसलर रहेगा ना, तो ये सारे ऑप्शंस पहले में ही समा जाते हैं, बालकों में मानसिक रुग्णता बढ़ सकती है। एनईपी 2020 हैज रिप्लेस, बताइए, एनईपी 1968, एनसीएफ 2005, एनईपी 1986, पीओओ 98, 92, एनईपी ने किसको, 2020 जो आई है, किसको रिप्लेस किया, जल्दी से बताना है। 1986 के बाद पहला एनईपी आई है, किसको, 1986। ठीक है, आगे चलते हैं, एनईपी 2020 एम्फसाइज्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू फैसिलिटेट लर्निंग अमंग स्कूल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम बढ़ावा देने के लिए किस पर बल दिया है? बताइए, स्पेशल स्कूल्स को, एक क्लब स्कूल को, मॉडल स्कूल को, ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जल्दी से बताना है आपको। बिल्कुल स्पेशल स्कूल्स को, ठीक है, किसको, स्पेशल स्कूल को।
एनईपी स्टैंड फॉर, ये आपको देना है भाई। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं भी जानूं तो आप देख रहे हैं वीडियो पूरा, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। एनईपी 2020 मेनली एम्फसाइज इन प्राइमरी एजुकेशन रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अंडरस्टैंडिंग देयर मदर टंग ओनली, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। बताइए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को क्या मातृभाषा में शिक्षा तो देनी चाहिए, ठीक है, मदर टंग ओनली, लेकिन FLN बच्चों को सीखा, NEP जो है वो बच्चे को एटलीस्ट, बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में जब हो तो बच्चा क्या सीख पाए, बच्चा एटलीस्ट नंबर्स बोलना सीख जाए, नंबर को पहचानना सीख जाए, ये सारी चीजें सीख जाए। देखिए RTE एक 2009 मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर इज, ये आपको बताना है भाई, क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसको। एज पर एस RTE एक 2009 नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू किस क्लास तक आप फेल नहीं कर सकते, ये आपको बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट में बताना है आपको। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ RTE एक 2009 डील्स विद क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स, बताना है जल्दी से आपको, बताइए, जो बताएगा उसको 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा भाई। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर, 24 हो जाएगा, ठीक है, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस धारा में अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें हैं, सेक्शन 24 में। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, लास्ट नहीं है भैया, एज पर सेक्शन 3 ऑफ RTE 2009 चलिए नीचे से क्वेश्चन करते हैं। एज पर एस RTE एक्ट 2009 प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो सेल एडमिट चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शंस इन क्लास इज 10%, 15%, 20%, 25%। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी विद्यालय के लिए भी उपबंध है कि कक्षा एक में कमजोर वर्ग के बालकों को प्रवेश देंगे, ऐसे कमजोर वर्गों के बालकों के प्रवेश का प्रतिशत क्या निर्धारित किया गया है, बताना है आपको, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा, 25%, ठीक है, कितना, 25%। आगे चलते हैं, मतलब पीछे से चलते हैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ RTE एक 2009 द स्कूल शुड नॉट रिजेक्ट एडमिशन फॉर चिल्ड्रन इन द ग्रुप ऑफ 3 to 5 years, 8 to 14 years, 6 to 14 years, 9 to 12 years, बताना है आपको, जल्दी से जो बताएगा उसको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसका राइट आंसर 3rd होगा, 6 से 14 साल के बालकों के, ठीक है। आगे चलते हैं, विच सेक्शन ऑफ RTE 2009 डील्स विद क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स, जल्दी से बताना है ये आपको। इसका राइट आंसर 2nd हो जाएगा भाई, इसीलिए मैं बता रहा था 2nd, सेक्शन 23, ठीक है, 23 के अंतर्गत। ये सब तो कुछ सवाल आपको जवाब देने हैं इसके, बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ऐसे ही हम डेली करेंगे, ठीक है, क्विज को। और चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में EVS के साथ। और चैनल कैसा लगा वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करा करिए, आपको हिंदी भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, बाकी वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद, जय भारत।